ये कितने हैं? दो हैं। ये कितने हैं? चार हैं। टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। हेलो, अरे बाप रे बाप, आई हैव टू कट माई ओन हेयर। पास छोले भटूरे मिलेंगे क्या? Fuck it. Welcome back to my channel. If you are new here, then welcome. Don't forget to subscribe. So for today's video, I'm gonna do a dare challenge. मैंने अपने Instagram पे story post करी थी आप सब लोग को पूछते हुए कि आप क्या क्या dare मुझे देना चाहते हो, और मुझे काफ़ी कड़क वाले dare मिले हैं। मेरे लिए कड़क हैं, पता नहीं आप लोग के लिए entertaining होंगे या नहीं होंगे, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये वीडियो को बहुत entertaining बनाऊँ। So without any further ado, let's get started. तो डेयर के लिए मुझे अपनी किसी दोस्त को फ़ोन करना है, और फ़ोन करते ही बिना हाय बिना हेलो के डायरेक्टली बोलना है, सुन यार आई विल कॉल यू लेटर, हम बिजी राइट नाउ। सो इसके लिए मैं अपनी रूममेट को कॉल करने वाली हूँ। सो साक्षी भगवान करनी, मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा आज। फर्स्ट को मैं किसको फोन करूँ, और कोई फोन नहीं उठाएगा मेरा। साक्षी को फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो, हाँ मिताली, सुन मैं बिजी हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। हेलो पागल जी, ओके बाय। ओके मुझे पता था इसका यही रिएक्शन आने वाला है। उफ फोन उठा लिया शुक्र एटलीस्ट। सो फॉर द नेक्स्ट डेयर आई हैव टू गो ब्लाइंड फोल्ड एंड ड्रॉ अ गर्ल। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी शक्ल बना लेती हूँ। सो मेरे पास ये है ब्लाइंड फोल्ड होने के लिए, एंड देन मेरे पास है एक कॉपी और एक पेन, स्केच पेन। सो मैं इसको खोल के रखती हूँ ताकि मैं इसको इजीली बना पाऊँ। क्या क्या करना पड़ता है, और अब मैं खुद के साथ टेस्ट करके देख लेती हूँ। ये कितने हैं? दो हैं। ये कितने हैं? चार हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सो अब मुझे एक लड़की जो है बनानी है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं। मेरे ख्याल से जो है लड़की बन चुकी है। एक बार पहले आप लोग देख लो दिख रहा है क्या। अब मैं देखती हूँ मैंने क्या बनाया है। बाकी सब तो फिर भी ठीक बना है बाकी सब मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये तो फिर भी ठीक इसका चेहरा इस तरह अलग क्यों बन गया, अरे बाप रे बाप पैर भी ठीक बने हैं, स्कर्ट भी ठीक बनी है, हाथ भी एक ठीक बना है। दूसरा हाथ मैंने बनाया तो था, ओ दूसरे हाथ की एक लाइन ये रही
और हाथ जो है हाथ ये रहा, मैं वही सोचू मैंने हाथ बनाया तो था दूसरा भी, और इसका मुंह इधर आ गया, बेचारी की पूरी बॉडी इधर आ गई। कोई बात नहीं बहन, सह लेंगे थोड़ा। उफ, ये मैं मम्मी पापा को भी दिखा के आती हूँ। सो द नेक्स्ट डे इज दैट हैव टू कॉल डोमिनोज एंड आस्क फॉर छोले भटूरे। अच्छी बेइज्जती कराएंगे आज। गूगल से जो है पहले नंबर ले लेते हैं। सो इट्स डोमिनोज अम्बाला कैंट का, और कॉल करके देखते हैं। आई होप खुला हो, ओपन वैसे लिखा तो आ रहा है। आई गेस बंद हो चुका है बिकॉज फोन ही नहीं उठाया है। कहीं और की सिटी का डोमिनोज को जो है कॉल करके देखते हैं। आई होप ये लोग उठा लें। थर्ड ट्राई डोमिनोज चंडीगढ़ कॉल करके देखते हैं। उफ, हेलो दी, मुझे पूछना था कि आपके पास छोले भटूरे मिलेंगे क्या? सॉरी, छोले भटूरे मिलेंगे क्या? नहीं, मोमोज होंगे वेज ना? नहीं, हमें छोले भटूरे चाहिए नहीं, थे। नहीं नहीं, छोले भटूरे नहीं होंगे, वेज मोमोज होंगे। अच्छा चलो ठीक है, मुझे तो छोले भटूरे ही खाने थे। नहीं नहीं, अभी तो खत्म हो गए थे ना, पर दिन में खत्म हो गए। अच्छा, दिन में थे अभी खत्म हो गए हैं। हाँ, स्टॉक में नहीं है। ओ, स्टॉक में नहीं है, ठीक है। ओके ओके, बहुत से ज्यादा समझ थी बोलती बोलती कि स्टॉक में नहीं है, सुबह थे, ये अच्छा रिस्पांस था। नेक्स्ट डे विच आई हैव गॉट इज दैट आई हैव टू कट माई ओन हेयर, जो वैसे ही 4-5 रह गए हैं, मैं गंजी हो जाऊंगी बहुत जल्दी। सो मुझे अपने बाल काटने हैं जो वैसे ही बहुत ही कम रह गए हैं, और जो है उन्होंने मेंशन भी नहीं किया था कि कितने बाल काटने हैं, तो मैं ना ज़्यादा अत्याचार करते हुए थोड़े से बाल काटूंगी थोड़े से। सो मैं वैसे भी दिख रही थी कि ये दोनों साइड की जो फ्लिक है बड़ी और छोटी है, तो इसको इसके बराबर क्यों ना करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे जो है मेरी सिज़र है, और यार रात में बाल काटने चाहिए मुझे नहीं लगता, बट चलो कोई बात नहीं, डांट खा लेंगे थोड़ा। सो ये मैं इतने बाल काटूँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यारे हैं मेरे बाल। सो ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये रहे मेरे कटे हुए बाल, जिसने भी बोला था कि बाल काटना अपने, उम्मीद है तुम जल्दी गंजे हो जाओ, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं। सो अगला प्रैंक जो है वो भी कॉल वाला ही है, पता नहीं इतने कॉल वाले, मुझे ऐसा लग रहा है अगला प्रैंक नहीं वीडियो चल रही है, प्रैंक वीडियो नहीं चल रही है, कौन सी वीडियो चल रही है, डेयर चैलेंज वीडियो। अगली जो वीडियो, सो अगला जो डेयर मिला है वो भी मुझे किसी को कॉल करने का ही मिला है, दैट इज़ कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बोलना है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अब मैं अगर अपनी और किसी भी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती तो वो नहीं मानने वाले थे, बिकॉज एक से मैं अभी मिली हूँ, एक से मेरी कल बात हुई थी, एक से मेरी शाम को बात हुई थी। सो चांदनी मेरी जो है दोस्त, उसको उससे मुझे बात करे बहुत दिन हो गए हैं, तो वो शायद थोड़ा सा बिलीव कर सकती है। सो उसको फ़ोन करके ये वाला प्रैंक हम कर सकते हैं। सो लेट मी कॉल हर। हेलो, हाय व्हाट्सएप, बस बढ़िया। और बताओ क्या कर रही है? मैं कह रही हूँ और बताओ। यार आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। क्या? आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। देखो कोविड हो गया है। कैसे?
पता नहीं पिछले 2-3 दिन से काफ़ी फीवर वगैरह था, मतलब ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था। तो क्या बोलते हैं, आज दोपहर में जो है टेस्ट वगैरह करवाया था और शाम को भी रिपोर्ट्स आई थी तो पॉजिटिव आई है। कहाँ से कराए हैं? सिविल से यार ब्रो, आई भी तो यस की सिविल के अलावा ना एक जगह और से करा ली क्रॉस चेक करवाने के। तो अभी क्या घर पे सेल्फ क्वारंटीन ब्रो, देख अभी ना ऑन 32nd पर्सन को ही हो रहा है और ना हमारी जो यंग जनरेशन का तो ठीक है, लाइक नॉर्मल वायरस ही हो, बस प्रिकॉशंस ले, मतलब कूलर पंखा कुछ भी मत ऑन कर, पंखा तो बंद ही रहता है। इसमें बेसिकली दो चीजें होती है कि देखो स्मेल नहीं आएगी चीजों की और टेस्ट नहीं आएगा, तो बस तू गर्म पानी वगैरह पी और प्रिकॉशन ले। शाम से ऐसी बैठी हुई थी दिमाग में, हाँ सब है वही, मतलब सोच रही थी शाम से कि क्या करूँ क्या करूँ, तो सोचा कि तेरे साथ प्रैंक ही कर लूँ। प्रैंक कर रही हूँ पहले सुन तो सही। हाँ अरे वो हाँ कोई नहीं, रात को करियो। अभी ना वो मैं YouTube की डेयर चैलेंज वीडियो कर रही थी तो उसमें मुझे था कि अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके ये प्रैंक करना है। ओके बाय बाय, टेक केयर, मान गई एक बारी में, मुझे लग ही रहा था कि मान जाएगी, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि नहीं भी मान सकती है, बट चलो अपना चैलेंज वीडियो तो अच्छा जा ही रहा है। So let's move on to our next dare. So the next dare is that I have to drink Coca-Cola का एक गिलास एक ही बारी में, बिना पता नहीं उन्होंने बस ऐसा लिखा था कि आपको एक गिलास Coca-Cola जो है एक बारी में पी जाना है। So अब गिलास का साइज मेंशन नहीं था, So अब हमारे पास 3 साइज के गिलास है, एक ही स्टील का गिलास जो सबसे बड़ा है, एक है ये सबसे छोटू सा गिलास और एक है ये वाला। तो मैं ये वाला वैसे पी नहीं सकती हूँ, ये वाला तो मैं पी सकती हूँ, बट स्टिल इट्स अ डेयर चैलेंज, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए आई विल चूज दिस ग्लास। सो इसमें जो है हम अपना कोला डालते हैं। ये पीने के बाद मेरी हालत पूरी बुरी वाली बुरी होने वाली है, क्योंकि रात में इतना कोला पीना इज नॉट सेफ। इतना बहुत रहेगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं भरूंगी और इतना मैं पी नहीं सकती हूँ। आई नो इट सो सो वेल, बट 3-2 यार मेरा पेट भरा हुआ है यार, खाना नहीं खाना चाहिए था, खाने से पहले करना चाहिए था मुझे ये चैलेंज। गैस भी बहुत है। सो 3-2-1 I can't do this. So ये वाले डेयर में जो मैं हारती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं एक बारी में नहीं पी सकती, क्योंकि यहाँ पे यू नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ गैस गैस सी हो गई और मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार पड़ जाऊँ और बाकी की जो 6 वीडियोज़ है डेयर चैलेंज की वो मैं ना शूट कर पाऊँ। सो आई एम सॉरी जिसने भी ये डेयर दिया था, मैं ये नहीं कर पाई। So the next day is that I have to call a random person, like कुछ भी डायल करके, और मुझे उनसे ऐसे बात करनी है जैसे मैं उनको पहले से जानती हूँ। So इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं जो भी नंबर जो है सोचूंगी उसको ट्रू कॉलर पर पहले चेक कर लूँगी, ताकि मुझे उनका नाम पता लग जाए और फिर मैं ताकि उनका नाम लेके ऐसे बात कर सकूँ जैसे कि मैं उनको जानती हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। करके देखते हैं। सो पहले मैं ट्रू कॉलर पे ही जाती हूँ डायरेक्टली एंड वहाँ पे नंबर जो है डायल करके देखती हूँ क्या आता है। सो मैं रैंडम नंबर में क्या डायल करूँ? 8-5-4
नंबर्स ही ट्रू कॉलर पे शो नहीं हो रहे हैं। मैं रैंडम कुछ भी नंबर जो है डायल कर रही हूँ बट वो शो नहीं हो रहे हैं ट्रू कॉलर पे। बहुत देर की मेहनत के बाद मुझे फाइनली एक नंबर मिला है विद नेम, सो कॉल करके आई एम गोना प्रिटेंड लाइक मैं हूँ रिया। सो आई एम गोना कॉल माई सेल्फ रिया और मैं उसको ऐसे बोलने वाली हूँ कि मुझे भूल गई तू। सो करके देखते हैं एक बारी कॉल। हेलो जी, मैंने तो किसी प्रियंका को फोन किया था, कोई अंकल बोले, मुश्किल से नंबर ढूंढा था मैंने नाम के साथ। दूसरा नंबर। आज तो मैं सच में ऐसे अगर कोई सामने हो ना मुझे पीट दे आके मैं जैसी हरकतें कर रही हूँ। कोई बात नहीं, नाम क्या था? हेलो हेलो जी, कौन? माधवी बोल रहे हो? हाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। कौन? माधवी से बात कर सकती हूँ मैं? मेधावी पंड्या नाम है मेरा। हाँ, कैसे हो जी? बोलिए। I'm good, how are you? मैं रिया बोल रही हूँ, मुझे भूल गए आप? रिया? अरे रिया, मैं आपकी स्कूल टाइम फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अरे आप सच में भूल गए? हेलो हेलो हेलो, कैसी कैसी हरकतें कर रही हूँ मैं। ओ शिट, मैं इनको एक बार कॉल करके जो है पूछ लेती हूँ कि मैं इनके ये ऑडियो भी जो है यूज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। उफ, कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। मैंने जस्ट उनको भी कॉल करके बताया उनको पूरी सिचुएशन की, ऐसा ऐसा सीन है। आई विश मैं कैमरा ऑन करके ये कॉल रिकॉर्डिंग करती। शी वॉज सो सो स्वीट, शी वॉज लाइक लाफिंग एंड शी वॉज वेरी स्वीट। So guys, that is up for today's video. I hope you all liked it. If you liked the video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel and comment down below what you want next, and bye-bye.